हे गाइज, अगर आपने घर पर वाईफाई लगा रखा है या इनके अलावा आपके ऑफिस में या फिर आप जहां वर्क करें वहां पर आपने वाईफाई का कनेक्शन ले रखा है, तो आपके बिना किसी परमिशन के कोई अदर पर्सन आपकी वाईफाई का यूज कर रहा है तो आप किस तरीके से देख सकते हैं। इसके अलावा आप एक दिन से लेकर 28 दिन तक आप देख सकते हैं कि आपका जो वाईफाई है वो कौन कौन यूज कर रहा था। इनके अलावा आप जो भी अदर पर्सन है जिसको आप वाईफाई कनेक्शन नहीं दे रहे हो और वो भी आपका वाईफाई कनेक्शन ले रखा है तो उस पर्सन को आप कैसे रिमूव कर सकते हैं। इनके अलावा आपको दो सेटिंग्स और बताऊंगा मैं। इसमें पहला आप एक दिन से लेकर 28 दिन तक ये देख सकते हैं कि आपका जो भी बंदा वाईफाई यूज कर रहा था उसको कैसे रिमूव किया जाता है और जो भी नया बंदा आपके वाईफाई से जुड़ेगा वह अपने आप ही नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो एक कैसे मिलेगा, ये सब कुछ जानकारियां इस वीडियो में मैं देने वाला हूं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू। तो दोस्तों, अगर आपकी बिना परमिशन के आपका कोई वाईफाई यूज कर रहा है तो आप कैसे ढूंढ सकते हैं और उसको कैसे रिमूव कर सकते हैं, इनके अलावा मैं बहुत सी सारी सेटिंग्स आपको आज बताने वाला हूं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको जाना है प्ले स्टोर में। ठीक है दोस्तों, प्ले स्टोर में जाने के बाद एक वाईफाई खुद का एक ऐप है जिसको आप यहाँ पर डाउनलोड करना है। उसका फिंग ऐप है, FING। ठीक है दोस्तों, ये आ गया ऊपर ऊपर फिंग। तो देखिए मैंने ये पहले ही डाउनलोड कर रखा है, आप यहाँ से उनको डाउनलोड कर लेना। ठीक है दोस्तों, फिर जाते हैं ऐप के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो ऐप को करते हैं ओपन। ओपन करने के बाद हमारे सामने एक ऐसा पेज ओपन होता है। ठीक है दोस्तों, इसमें बहुत सारे ऑप्शन आते हैं अलग अलग। ठीक है दोस्तों, इसमें देखिए टेस्ट स्पीड भी आ रखा है इसमें, इसके अलावा आपकी जो वाईफाई कनेक्शन का एड्रेस भी, लोकेशन भी आ रखी है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर मैं आपको एक बार टेस्ट स्पीड करके भी दिखा देता हूँ। दोस्तों यहाँ पर जो स्पीड आएगी वो अपलोड की और डाउनलोड की दोनों की आएगी। तो देखिए यहाँ पर कितनी स्पीड आती है हम देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये तो होगी स्पीड की बात। आपके वाईफाई की जो स्पीड है वो डाउनलोड में तो 21.5 MB/s है और अपलोड में 39.7 MB/s है। तो दोस्तों ये तो होगी स्पीड की बात, अब बात करते हैं मेन पॉइंट की। ठीक है दोस्तों, तो वापस बैंक चलते हैं। तो देखिए ये पेज हमारे सामने ओपन हुआ था, अब मैंने घनश्याम नाम से वाईफाई ऐड कर रखा है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट करने के बाद हमारे सामने ये पेज ओपन होता है। ठीक है दोस्तों, अब तो ऊपर राइट साइड में आपको एक रिफ्रेश का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको क्लिक करके दिखा देता हूँ। अब आपकी जो वाईफाई है वो रिफ्रेश हो रही है, इसमें अब जितने भी आपके वाईफाई से कनेक्शन मोबाइल लैपटॉप वगैरह है वो आपको यहाँ पर दिखा देंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिए जितने भी मोबाइल वगैरह है, लैपटॉप है, ये कनेक्शन हो रखे हैं वो दिखा रखे। ठीक है दोस्तों, देखिए फर्स्ट में तो राउटर खुद आ रहा है। ठीक है दोस्तों, सेकेंड में मोबाइल जियोमी का जो कि मेरा खुद का मोबाइल है। ठीक है दोस्तों, दूसरा रेडमी नोट 9 प्रो ये भी मेरा खुद का मोबाइल है। ठीक है दोस्तों, तीसरा भी मोबाइल आ रहा है ओप्पो का। ठीक है दोस्तों, ये मेरा रूममेट का है। ठीक है दोस्तों, तीसरा भी आसूस का मोबाइल है, ये भी मेरे एक दोस्त का है। और भी मोबाइल आ रहे हैं, एक सैमसंग का आ रहा है और एक लास्ट में जो मेरा लैपटॉप है इंटेल का वो आ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये तो मेरी परमिशन से ऐड हो रखे हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपकी बिना परमिशन के कोई भी अगर दूसरा यूजर आपकी वाईफाई को यूज कर रहा है तो आप यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं। तो देखिए नीचे एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा आपको कॉर्नर में डिलीट का। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। तो इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने दो ऑप्शन आएंगे, डाउन डिवाइस और ऑल डिवाइस। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से आप उसको जो ऊपर दिखाई दे रहा है ना क्लियर डिवाइस, तो यहाँ से आप जिस यूजर को हटाना चाहते हैं आप हटा सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सी सेटिंग्स हैं जो मैं आपको देखो बता देता हूँ। नेक्स्ट, अब चलते हैं ऊपर। नेक्स्ट आपको एक सिक्योरिटी का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, वहाँ पर आपको क्लिक करना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर क्लिक करने के बाद देखिए हमारे सामने ये पेज ओपन होता है। तो देखिए इसमें जो आपको दिखा रहेगा टू न्यू डिवाइस। ठीक है दोस्तों, टू डे यानी आज या फिर पिछले 7 दिनों में या फिर पिछले 30 दिनों में आपके जो वाईफाई से है वो कोई नया डिवाइस ऐड हुआ है। तो देखिए यहाँ पे दिखा रखा है टुडे का, देखते हैं तो आज जो नए दो डिवाइस है वो ऐड हुए हैं, तो देखते हैं कौन कौन से हुए हैं। ठीक है दोस्तों, तो दोनों ही मोबाइल है, एक तो सैमसंग गैलेक्सी का ऐड हुआ है, एक जियोमी एंड्रॉयड। ठीक है दोस्तों, अगर हम यहाँ से इनको कन्फर्म करेंगे तभी ये ऐड होंगे, वरना आपके जो मोबाइल में ऐड नहीं होंगे। अब यहाँ पर आपको एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं आपको एक सेटिंग्स बताता हूँ। ठीक है दोस्तों, जब भी आपकी वाईफाई में कोई नया यूजर कनेक्ट होगा तो इससे पहले ही आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, कि आपके मोबाइल कोई और यूज कर रहा है। तो देखिए आपको स्क्रॉल करके इसमें नीचे जाना है। नीचे जाने के बाद आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा नोटिफाई ऑन न्यू डिवाइस। ठीक है दोस्तों, अभी इसने यहाँ पर मैंने डिसेबल कर रखा है, तो यहाँ से आप इसको इनेबल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद तो देखते हैं यहाँ पर ट्राई फॉर फ्री। ठीक है दोस्तों,
अब देखो यहाँ पर एक आपको दिखाई दे रहा होगा, गेट नोटिफाइड इंस्टेंटली वेन अननोन डिवाइस जॉइन योर नेटवर्क। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब है जब भी कोई अननोन नेटवर्क आपके वाईफाई से कनेक्ट होगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, यही तीन चार सेटिंग्स थी वाईफाई की। अगर आपको दोस्तों अगर अच्छी लगे वीडियो तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।